यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन ब्लॉक त्रिवेदीगंज बाराबंकी द्वारा शिक्षकों के शोषण करने वाले भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कराने को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अमरजीत सिंह जी। जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, तो ये आपका मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर मेरा आने मुख्य का? उद्देश्य यशस्वी मुख्यमंत्री जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, जी उसको जो अधिकारी बट्टा लगा रहे हैं भ्रष्टाचार करके, जी जो कि खंड शिक्षा अधिकारी त्रिवेदीगंज बाराबंकी की मैं बात कर रहा हूँ, जी उनको मैं निलंबित करके उनकी जांच कराने की जी मांग करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी और उनके जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, वो हर चीज़ में पैसा और शिक्षकों के साथ अभद्रता, जो उनके उस मुहिम में शामिल नहीं है, जी उनको वो पीड़ित करते हैं। जी और इस उत्पीड़न के लिए, धन उगाही के लिए उन्होंने अपने कार्यालय में अवैध रूप से शिक्षकों को नियुक्त कर रखा है। वो जी घूम घूम करके वसूली करते हैं जी और उनके लिए सारे मानकों में छूट है। जी वो CCL, मेडिकल, कुछ भी उनको लेना है जी उसके लिए वो उनको लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आम शिक्षक जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके लेता है, फिर भी इसको वो अप्रूव करने में उनको दिक्कत है जब तक उनको धन न मिले। अच्छा, इसकी शिकायत आपने अभी कहाँ कहाँ की मैंने है? इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को जी मैंने जो उन्होंने धमकी दी कि यदि इस तरह से आपने हमारी शिकायत की जी तो आपको हम देख लेंगे जी और आप सेवा से भी जाएंगे और जान से भी जाएंगे, जी इसके लिए मैंने शिकायत अपर गृह सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने की जी और मैंने DM बाराबंकी को उसकी शिकायत की, जी डायट प्राचार्य की को शिकायत की, जो कि ये निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान बहुत घटिया व्यवस्था करके कर रहे थे, उसी की शिकायत मैंने सबसे पहले की थी, जी जिस पर उन्होंने मुझे इतना उत्पीड़ित किया कि मुझे हेड इंजरी हो गई, चोट लग गई, गिर पड़ा, मैं अचेत हो गया जी विद्यालय समय में ही, जी और उसके बाद फिर मेरा इलाज हुआ जी। और मैं इनसे बहुत उत्पीड़ित हूँ, इन्हें तत्काल निलंबित करते हुए इस जिले से बाहर भेजना चाहिए। जी जी जैसा कि मैडम, जो ये आपके बाराबंकी के अधिकारी हैं, इन पर महिला उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जा रहा है, तो मैडम क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है जी, क्योंकि बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक में जी उषा भार्गव नाम की महिला ने इनके ऊपर लगाया है। जी कोई भी महिला अपने चरित्र पे तो इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती कि जी वो खुद लगा लेगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जी उसी किसी अधिकारी ने किया होगा तब भी, और इनकी बात करने की कार्यशैली बहुत खराब है सर। जी समझ लीजिए जी, तो ये मैडम इनके साथ क्या होना चाहिए, किस तरह का इनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए? इनको निलंबित करके जी भेज देना चाहिए। भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो, भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।